हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सस भू कुकिंग में स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने किचन में व्रत के स्पेशल 5 तरीके की नमकीन, वो भी एक वीडियो में। बहुत आसानी से बनेगी, बहुत जल्दी बनेगी और बहुत टेस्टी होगी। एक बार बनाएंगे बाजार से लाना भूल जाएंगे। आइए अब हम व्रत वाली 5 तरीके की नमकीन बनाना शुरू करते। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं तेल गर्म करने रखूँगी गैस पे और सबसे पहले मैं बनाऊँगी आलू लच्छा नमकीन। उसके लिए मैं तेल अच्छे से गर्म कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मेरा तेल गर्म हो चुका है। इसमें मैं डाल दूंगी आलू के सेव। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, ये मैंने पहले बनाए हुए हैं और ये देख सकते हैं वाइट वाइट मेरे सेव कितने अच्छे बने हैं। ये बहुत बनाने में आसान होते हैं, आप मेरे चैनल पर जाके इसकी सभी स्टेप फॉलो करिएगा। एकदम वाइट, एकदम मार्केट जैसे ही बनेंगे आपके भी। ये देखिए, उतारने के बाद देख रहे होंगे उधर मैंने चलनी रखी हुई है, उसके ऊपर रख रही हूँ। इससे ना नीचे ना थोड़ा तेल छन के आ जाएगा, एक्स्ट्रा ऑयल जितना भी होगा। ये देखिए, अब फ्रेंड्स मैं मूंगफली फ्राई कर लूंगी। इसे मीडियम आंच पे तलेंगे और आपको पता होगा मूंगफली के चटक आने तक हमें पकाना है। और इसको भी इस तरह से चलनी पे रख लूंगी ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसका निकल जाए। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बोला मीडियम आंच पे तल रही हूँ, तो इसे तलने में ना 4 से 5 मिनट का समय लग जाएगा और गैस का ध्यान रखें। देखिए फ्रेंड्स, मेरी मूंगफली हो चुकी है एकदम क्रिस्पी। अब मैं इन्हें उतार लूंगी और जैसे मैंने बोला चलनी के ऊपर रख लूंगी ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने आधी मूंगफली मिक्स कर ली है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1/3 स्पून काली मिर्च पाउडर, 1/3 स्पून सेंधा नमक और 1/4 स्पून करीब डाल दूंगी मैं अमचूर पाउडर। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मेरे आलू के सेव वाली नमकीन बनके तैयार है। ये देख सकते हैं कितनी जल्दी और कितनी आसानी से बन गई। और ये सेव कैसे बनते हैं ये आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं मीठी साबूदाना मखाना नमकीन बनाना शुरू करती हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं इधर तेल गर्म करने रख दूंगी। तेल हमें अच्छा गर्म चाहिए। अब फ्रेंड्स, मेरा तेल गर्म हो चुका है। इसमें मैं डाल दूंगी साबूदाना। जैसे मैंने बोला हमें अच्छा गरम तेल चाहिए। इसके लिए तेल मेरा गरम हो चुका है। आप देख रहे हैं जैसे ये ऊपर आ जाएगी ना उठ के, मैं अपनी गैस में एकदम कम कर दूंगी और इसे सेकने में 4 से 5 मिनट का समय लगता है और कलर चेंज होने तक इसे पकाना है। देखिए फ्रेंड्स, मेरे साबूदाना कितने अच्छे से हो रहे हैं और फूल भी गए हैं, आप देख सकते हैं एकदम पॉपकॉर्न की तरह फूल गए हैं और साथ ही साथ इनका कलर भी चेंज हो रहा है। और जैसे मैंने बोला था ऊपर आ जाने के बाद गैस कम कर देनी है, पर ध्यान रखें बीच में गैस को अपने हिसाब से कम और ज़्यादा करते रहें। अब देखिए फ्रेंड्स, ये साबूदाना हो चुके हैं, इनका रंग भी चेंज हो चुका है और सभी के सभी फूल चुके हैं। अब मैं इन्हें उतार लूँगी और देखिए जैसे मैंने पहले बताया था चलनी में डाल लूँगी ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसका निकल जाए। अब फ्रेंड्स, की बात मखाने की बारी। मैंने इधर मखाने 1 कटोरी करीब लिए हैं और साबूदाना मैंने आधा कटोरी लिया था। और आप जानते हैं मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगेगा मखाने को तलने में। देखिए फ्रेंड्स, मेरे साबूदाना फूट रहा है ना एकदम, कितना मस्त हुआ है। ये देखिए एकदम उंगलियों के बीच में इतना अच्छे से फूट रहा है और कितना कुरकुरा लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स, इधर मेरे मखाने भी हो चुके हैं, इन्हें मैं उतार लूँगी। जैसे मैंने बोला था 1 से 2 मिनट का समय लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इन्हें होने में। अब फ्रेंड्स, मैं काजू तलूँगी। इधर मैंने आधा छोटी कटोरी लिए हैं काजू और इनको भी डीप फ्राई कर लूँगी। मुश्किल से इन्हें 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगता है होने में। और देखिए मैं इन्हें उतार लूँगी और जैसे मैंने बताया था इन्हें चलनी में रखती जाऊँगी ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकलती जाए। इसके बाद गोला, इसको भी मैं डीप फ्राई कर लूँगी। और ये भी मैंने आधी कटोरी लिया है, छोटी वाली आधी कटोरी, और इन्हें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 1 मिनट का समय लगेगा। और देखिए मेरे गोले भी हो चुके हैं, इन्हें मैं उतार लूँगी। फ्रेंड्स, जो आधी मूंगफली मैंने तली थी ना वो इसी में डाल दी है। अब मैं इसमें 2 चम्मच पीसी हुई चीनी डाल दूंगी और 2 चम्मच किशमिश, साथ ही साथ 1/3 स्पून सेंधा नमक और 1/4 स्पून खटाई या अमचूर पाउडर, 1/3 स्पून काली मिर्च पाउडर। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारी टेस्टी टेस्टी साबूदाना मखाने की मीठी नमकीन बनके तैयार है। अब
फ्रेंड्स एक परात में मैं आधा कटोरी कूटू का आटा और आधा कटोरी सिंगारी का आटा डाल लूंगी। आपने देखा मैंने इक्वल क्वांटिटी में दोनों आटे लिए हैं। अब इसमें मैं डाल दूंगी काली मिर्च 1/3 स्पून, साथ ही साथ सेंधा नमक 1/3 स्पून। अब इसमें मैं 2 चम्मच तेल डाल दूंगी और पूरी जैसा आटा इसका लगा लूंगी। तेल डालने के बाद मुट्ठी बन रही है, यानी कि हमारा तेल एकदम परफेक्ट डला है। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका पूरी जैसा आटा लगा लूंगी। देखिए फ्रेंड्स मैंने पूरी जैसा आटा लगा लिया है इसका। अब मैं इसका एक बार तोड़ लूंगी और छोटे छोटे लोई इसकी बना लूंगी। लोई बनाने के बाद इसे चिकना कर लेंगे। अब फ्रेंड्स इससे हम मटरी बनाना शुरू करते हैं। मैं देखिए इस तरह से इसके ऊपर रखूंगी और इस तरह से हाथ से प्रेस कर दूंगी और ऊपर से कांटे से इसमें छेद कर दूंगी और इसे उठा लूंगी। और देखिए इतनी मस्त मटरी की शेप आई है। देखिए पहले इस तरह से रखूंगी पसने वाले पर, फिर इस तरह से प्रेस करूंगी, फिर कांटे की साइज से इसमें छेद कर लूंगी और फिर इसे इसके ऊपर से उठा लूंगी। और देखिए ये शेप मस्त आ जाएगी। इसी तरीके से मैं बाकी मटरी अपनी तैयार कर लूंगी। जब तक फ्रेंड्स मैं मटरी तैयार कर रही हूँ तब तक मैंने इधर तेल भी गर्म करने के लिए रख दिया है। फ्रेंड्स देखिए कितनी मस्त हमारी मटरी आई है और उसकी शेप भी कितनी अच्छी लग रही है। और इधर मेरा तेल भी गर्म हो चुका है, इसे तलना शुरू करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स कितनी मस्त मेरी मटरियाँ सिक रही हैं। और देखिए मैंने कस वाली पर ऊपर रखा था, कितनी अच्छी इसकी शेप आ रही है। ये देख सकते हैं कितनी मस्त डिज़ाइन आ रही है इसके ऊपर। और जैसे हमारी नॉर्मल मटरी सीखती है ना, मैं वैसे ही सीख रही हूँ। 12 से 13 मिनट का समय, आपने मेरी मटरियों का बाकी का वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैं अपनी आँच को कम ज़्यादा करते हुए मटरियों को सीखती हूँ, इनको भी वैसे ही सीखना है। देखिए फ्रेंड्स मेरी मटरियों को सीखते हुए 12 मिनट हो चुके हैं और देख सकते हैं मस्त सीख चुकी है। और जैसे मैंने बताया था नॉर्मल मटरियों की तरह इन्हें सीखना है। अब मैंने उतार लूँगी। देखिए फ्रेंड्स मेरी मटरी तैयार है एकदम करारी और देखिए चारों तरफ से बराबर सिकी हुई। अब फ्रेंड्स एक तरीके का आटा लगाऊंगी जिसमें मेरी 2 तरह की नमकीन तैयार होगी। इधर मैं आधा कटोरी सिंगारे का आटा और आधा कटोरी कूटू का आटा एक परात में डालूंगी। इसमें फिर 1/3 स्पून सेंधा नमक, 1/3 स्पून काली मिर्च पाउडर, इन दोनों को मिक्स कर लूंगी आटे में। फिर इसमें मैं आलू कस की सहायता से कस की डालूंगी। मैंने इधर एक आलू ले लिया बड़ा वाला और इसका जो रोटी जैसा आटा होता है वैसा लगाना है हमें। फ्रेंड्स रोटी जैसा आटा लगाएंगे, पर मैं एक पॉइंट आपको बता दूं, इसमें ना पानी का इस्तेमाल नहीं होगा। ये आटा ना सिर्फ और सिर्फ आलू जो मैं कस रही हूँ ना उसी से लगेगा। मैंने जैसे इधर एक बड़ा आलू कसा है, अगर आपको जरूरत पड़े तो इसमें 2 आलू भी कर सकते हैं, पर ध्यान रखें पानी नहीं डलेगा, आलू से ही आटा लगेगा। जब तक फ्रेंड्स मैं आटा लगा रही हूँ तब तक मैं ना तेल भी गर्म करने के लिए रख दूंगी। अब फ्रेंड्स मैं 1 चम्मच तेल डाल दूंगी इसमें और एकदम सॉफ्ट आटा कर लूंगी, इसे अच्छे से मथा लूंगी। देखिए फ्रेंड्स मैंने आटे को अच्छे से मथा लिया और इसे 2 भागों में बांट दिया है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग बारीक सेब बनाएंगे। सबके पास होते हैं सेब करनी, सबसे पहले हम लोग बारीक सेब का इसमें सांचा डालेंगे। जैसे मैंने बताया था आपको मैंने आटे को 2 पार्ट में बांट दिया है। एक पार्ट लूंगी, इस पर ना थोड़ा तेल लगा लूंगी चारों तरफ और फिर सांचे में डाल दूंगी। अब मैंने सांचे की सहायता से डायरेक्ट गर्म तेल में सेब डाल दिए हैं। इन्हें सेकने में 2 से 3 मिनट का समय लगता है और इन्हें गर्म तेल में डालना होता है और अपने हिसाब से गैस को कम और ज्यादा करते रहना होता है। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी शेप आई। देखिए फ्रेंड्स मेरे सेब सिक चुके हैं, मैंने बोला था ना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 2 से 3 मिनट और ये हमारे सेब सिक गए। पर ध्यान रखें अपने हिसाब से गैस को ना कम और ज्यादा करते रहें। इसी तरह से फ्रेंड्स बाकी के सेब भी हम लोग बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स मेरे व्रत वाले सेब बनके तैयार हैं। देख सकते हैं कितनी मस्त की नमकीन आई है, ये देख सकते हैं सिके हुए बराबर से और कितने अच्छे दिख रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितने करारे बने हैं, है ना, टूट गए आसानी से, ये देख सकते हैं कितनी करकर की आवाज़ भी आ रही है इसमें से।
अब फ्रेंड्स में नेक्स्ट नमकीन है चक्री। चक्री वाला ब्रेड डाल देंगे और फिर आटा डाल के चक्री बनाएंगे। अब फ्रेंड्स एक प्लेट में चक्री बनाना शुरू करती हूँ। मशीन की सहायता से चक्री बनाऊंगी। ये देखिए आई ना कितनी मस्त चकली, व्रत वाली, वो भी सिंगाड़े और कूटू के आटे की। आपने चावल के आटे की, बेसन की बहुत खाई होंगी, लेकिन ये व्रत में खाने वाली चकली कूटू और सिंगाड़े के आटे की बनी। और कोई झंझट भी नहीं है, ये आराम से उठ भी जाएंगी। सिंपल स्टार इसको निकालना है शेप के थ्रू और चकली का शेप दे देना है। है ना सर बनाना। अब इसी तरीके से मैं बाकी चकरी भी बना लूंगी। ये देखिए कितना आसान है चकरी बनाना। देखिए फ्रेंड्स कितनी मस्त मेरी चकरी बन रही है। देखिए फ्रेंड्स मेरी कितनी मस्त चकरी आई है, देख सकते हैं एकदम मस्त शेप आई है ना। साथ ही साथ जब मैं बना रही थी ना, मैंने तेल भी गर्म करने रख दिया था। अब गर्म तेल में इसे डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स मेरा तेल भी गर्म हो चुका है और उसमें मैं चकरी जो बनाई थी वो डाल दूंगी। पर इन्हें सीखने में 7 से 8 मिनट का समय लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 7 से 8 मिनट का टाइम और गर्म तेल में डालना होता है। और बाद में तेज आंच पे या फिर बीच में जरूरत पड़ने कम पर सीखते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितनी मस्त सीख रही है। और जैसे कि मैंने बोला इन्हें सीखने में 7 से 8 मिनट का समय लगेगा और अपने हिसाब से गैस को कम और ज़्यादा करते रहें। देखिए फ्रेंड्स जैसे मैंने बोला था 6 से 7 मिनट में मेरी चकरी सीखे तैयार। ये देख सकते हैं, पर ध्यान रखें गैस का बीच में कम और ज़्यादा करते रहे। देखिए फ्रेंड्स मेरी चकरी बनके तैयार है। देखिए कितनी क्यूट लग रही है और कितनी टेस्टी है।